हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सबों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को MRD 004, जिसका शीर्षक है ग्राम विकास में अनुसंधान पद्धतियां, के चैप्टर वन के पार्ट टू को बताने जा रहा हूं। इसमें जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी को मैं एक एक करके बताऊंगा। हालांकि इससे पहले मैं MRD 004 के चैप्टर वन के पार्ट वन वीडियो को बता चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज मैं आप लोगों को चैप्टर वन के पार्ट टू को बताऊंगा, जिसका शीर्षक है ग्रामीण विकास में अनुसंधान। चलिए जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी को एक एक करके जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हालांकि 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक मैं पार्ट वन वीडियो में बता चुका हूं, इसीलिए ये क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट है, क्योंकि ये वीडियो जो है वो चैप्टर 1 का पार्ट 2 वीडियो है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, उन प्रमुख उपायों का विवरण दीजिए जो सरकार ने 1947 के बाद पंचायती राज व्यवस्था में नई जान फूकने के समर्थन में किए थे, अथवा स्वाधीन भारत में पंचायती राज व्यवस्था के जन्म का विश्लेषण कीजिए, अथवा जीवी के राव समिति पर टिप्पणी कीजिए, अथवा सरकारिया आयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, अथवा अशोक मेहता समिति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, अथवा सहकारिता से आपका क्या अभिप्राय है। ग्रामीण विकास में सहकारिता की भूमिका का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। इसको हम निम्न बिंदु द्वारा स्पष्ट करेंगे। पहला जानेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था है क्या, स्वाधीन भारत में पंचायती राज व्यवस्था की क्या भूमिका है, अशोक मेहता समिति क्या है, जीवी के राव समिति क्या है, और सरकार या आयोग क्या है। चलिए एक एक करके सभी बिंदु को जानते हैं। तो पहला जानेंगे कि स्वतंत्र भारत के बाद, मतलब स्वतंत्रता पाने के बाद, पंचायती राज व्यवस्था का गठन कैसे हुआ था। तो स्वतंत्रता के पश्चात भारत में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि सभी पंचायतों में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उसका अधिकार मिले और उसे योजनाओं से जोड़ा जाए। भारत में प्राचीन काल से ही पंचायती राज व्यवस्था लगभग अस्तित्व में ही रही है। जैसे अगर हम देखें तो उस टाइम प्राचीन काल में, वैदिक काल में, गोष्ठी होती थी, सभा का आयोजन होता था। सेम उसी प्रकार किया है अभी हमारे आधुनिक काल में भी। पंचायतों का महत्व बहुत ही ज्यादा है। पंचायती राज का जो मुख्य कार्य है वो ग्रामीण भारत की परंपरा और संस्कृति को बनाए रखना है। यह ग्राम स्तर पर स्वशासन की प्रणाली व्यवस्था को व्यवस्थित करता है। 1992 में इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था, 1992 तक इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था पंचायती राज व्यवस्था को। लेकिन 23 अप्रैल 1993 में भारत में पंचायती राज के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कार्य किए गए, इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया और संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा हासिल कराया गया। 73वें संशोधन में बहुत सारे प्रावधान की व्यवस्था की गई। अब स्वाधीन भारत के, भारत में पंचायती राज में जो 73वें संशोधन हुए थे उसमें बहुत सारे प्रावधान हुए, जैसे कि यह एक त्रिस्तरीय ढांचे की स्थापना थी, मतलब इसके अंतर्गत ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या मध्यवर्ती पंचायत तथा जिला पंचायत आते थे। इस पंचायती राज को कितने भागों में बांटा गया था, लगभग 3 भागों में बांटा गया था, 3 ढांचों में बांटा गया था। पहला था कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या मध्यवर्ती पंचायत, जिसमें हम जिला पंचायत को भी शामिल कर सकते हैं। ग्राम स्तर पर ग्राम सभा की स्थापना करना पंचायती राज व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। प्रत्येक 5 साल में पंचायतों के नियमित चुनाव भी होते हैं इस पंचायती राज व्यवस्था में। मतलब जो पंचायत का जो चुनाव होता है ग्रामीण क्षेत्रों में, हम लोग जानते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, मुखिया होता है, पंचायतों की चुनाव होती है, पंचायतों की चुनाव के उपरांत ही मुखिया का गठन होता है, मुखिया को नियुक्त किया जाता है। अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण किया गया है और महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण भी इसमें शामिल है।
पंचायतों की निधियों में सुधार के लिए उपाय सुझाने हेतु राज्य सरकार के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया गया है, ताकि चुनाव आयोग का गठन के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था का 5 साल के बाद नियमित रूप से चुनाव हो सके। स्वाधीन भारत में पंचायती राज व्यवस्था का जो जन्म हुआ था, वो उसका एक मुख्य कारण यह भी था कि सभी राजनीतिक दल के लिए यह भूमिका थी कि राष्ट्र के विकास हेतु क्या योजना बनाया जाए। इस योजना को सुसंगठित बनाने के लिए पंचायती राज व्यवस्था का जो रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अशोक मेहता समिति क्या है? तो पंचायती राज संस्थानों की आय के स्रोतों के बारे में समय समय पर अलग अलग विचार प्रकट किए गए हैं। सरकार द्वारा भी स्थानीय वित्त मामलों की जांच के लिए तथा उस संबंध में सुझाव देने के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया था, जिसकी सिफारिशों के आधार पर स्थानीय संस्थाओं की वर्तमान वित्त एवं कर प्रणाली को सुनिश्चित किया गया और उसे शामिल किया गया। वर्ष 1977 में पंचायती राज संस्थानों की कार्य प्रणाली की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता अशोक मेहता की सहायता से हुई। मतलब अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, ताकि वो पंचायती राज व्यवस्था की निगरानी कर सके, जिसे हम अशोक मेहता समिति के नाम से जानते हैं। पंचायती राज के पतन के भी बहुत सारे कारण है कि पंचायती राज ठीक तरह से अगर नहीं चलते हैं तो विकास कार्यक्रमों को पंचायती राज से अलग रखा गया, बहुत सारे कार्यक्रमों को, जिसका इम्पैक्ट जो है, जिसका इफेक्ट जो है पंचायती राज में पड़ा। जीवी के राव समिति को अगर हम जानेंगे तो इस समिति का गठन ग्राम विकास के प्रशासनिक प्रबंधों और पंचायत निकायों की भूमिका तथा प्रशासनिक व्यवस्था के साथ उनके संबंधों की पड़ताल करने के उद्देश्य से 1985 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसके अंतर्गत बहुत सारे बिंदुओं को रखा गया था, जैसे जिला परिषद को मजबूत किया जाए, जिला स्तर पर प्रतिनिधि हो, मतलब इसमें भी अगर कोई व्यक्ति जनप्रतिनिधि बनना चाहता है तो उसे चुनाव के माध्यम से ही आना पड़ेगा। योजना संबंधी बहुत सारे कार्य को जिला स्तर पर स्थानांतरित किया गया, जो कि ब्लॉक लेवल पे भी उसे इंप्लीमेंट किया गया। स्थानीय निकायों के चुनाव नियमित किए गए कि नहीं, अब जो निकाय की जो चुनाव है उसे नियमित किया जाए, प्रत्येक 5 साल में एक चुनाव किया जाए। सरकारी आयोग क्या है? तो 1988 में गठित प्राथमिक तौर पर केंद्र राज्य संबंध से जुड़े सरकारी आयोग ने बहुत सारे कार्यों में सिफारिश की। मतलब सरकारी आयोग स्थानीय निकायों को वित्त और कार्य की दृष्टि से क्या करता है, मजबूती प्राप्त प्रदान करने के लिए सिफारिश की थी। सरकारी आयोग का मुख्य उद्देश्य था किसी भी योजना को मजबूती प्रदान करना, किसी भी योजना को वित्त की सुविधा प्रदान करना। इस आयोग का यह भी मानना था कि पंचायतों के चुनाव नियमित रूप से होने चाहिए, ताकि पंचायतों का विकास हो सके, जिसकी मदद से ग्रामीण समुदाय अपने भविष्य पर जो प्रभाव उनके पड़ते हैं, नेगेटिव प्रभाव पड़ते हैं, उसमें क्या हो, उत्थान हो। और इस प्रकार इसे संवैधानिक मान्यता देते हुए बहुत सारे समितियों और आयोगों के सिफारिश से इसे 64वां संविधान संशोधन में शामिल किया गया और एक विधेयक रूपरेखा और प्रारूप तैयार किया गया, जिसे संवैधानिक दर्जा दिया गया, जो कि पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ और विकासपूर्ण भूमिका में व्यवस्थित रूप से स्पष्ट करती है, या स्पष्ट करती है कि नहीं, पंचायती राज व्यवस्था का हमारे राष्ट्र के निर्माण के लिए बहुत अहम भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1993 का वर्णन करते हुए इसकी प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए, जिसे हम संविधान अधिनियम 1993 के नाम से भी जानते हैं। इसे हम निम्न निम्न द्वारा स्पष्ट करेंगे। पहला है संविधान अधिनियम 1992 क्या है, जिसे हम 73वें संशोधन के रूप से जानते हैं। अधिनियम 1992 की मुख्य विशेषताएं क्या है, ग्राम सभा त्रिस्तरीय व्यवस्था क्या है, सीटों का आरक्षण, पंचायतों की बनावट,
पंचायतों की अवधि, चुनावों का संचालन, वित्त आयोग, विकास संबंधी गतिविधियां, आर्थिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला कल्याण तथा बाल विकास, ढांचागत विकास, इसे एक एक करके सभी बिंदु को जानेंगे। पहला हम जानेंगे कि संविधान अधिनियम 1992 है क्या। तो चलिए जानते हैं कि संविधान अधिनियम 1992 है क्या। सरकार ने जनता को अधिकार देने के दर्शन के लिए बहुत सारी योजनाओं को लागू किया, बहुत सारे नियम कानून को लागू किया, ताकि किसी भी राज्य के पंचायतों को अत्यधिक संवैधानिक दर्जा दिया जा सके और उसे उसका जो अधिकार है, पंचायतों में रहने वाले लोगों का जो अधिकार है, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का जो अधिकार है, उस अधिकार से वो वंचित ना हो, वह उसे उसका अधिकार मिले। इसलिए सरकार द्वारा बहुत सारे अधिनियम लाए गए, कानून लाए गए, प्रस्ताव लाए गए। 1991 में संविधान का 72वां संशोधन प्रस्तुत किया गया, जिसे दिसंबर 1991 में संसद की एक संयुक्त प्रवर समिति को विस्तृत जांच करने के लिए सौंप दिया गया था, जिसके अंतर्गत सर्वसम्मति से इस संशोधन के उपरांत सर्वसम्मति से संविधान के अधिनियम 1992 का गठन हुआ। मतलब इसमें 73वें संशोधन किया गया और एक अधिनियम पारित किया गया, एक अधिनियम को लाया गया, एक कानून को तैयार किया गया। अधिनियम 1992 की अगर विशेषताओं की बात किया जाए तो इसके अंतर्गत इस अधिनियम के साथ पंचायतों को सत्ता अथवा अधिकार के हस्तांतरण का वितरण एवं इस राष्ट्र के सबसे बुनियादी दस्तावेज भारत का संविधान का हिस्सा बनाया गया था। मतलब जो पंचायती राज को उसका अधिकार नहीं था, पंचायती राज को जो संवैधानिक दर्जा प्रदान प्राप्त नहीं था, वो दर्जा प्राप्त हो गया भारत के संविधान में। पंचायती राज को भी जोड़ा गया, संविधान के अधिनियम 1992 को भी जोड़ा गया, उसे एक संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके अंतर्गत बहुत सारे विशेषताओं में, जैसे ग्राम सभा, इसके अंतर्गत ग्राम सभा त्रिस्तरीय व्यवस्था हुई थी। ग्राम सभा में क्या है कि संविधान अधिनियम 1992 ने एक बार फिर ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका को स्थापित किया था, जिससे लोकतंत्र की शक्ति का क्या हो, विकास हो। त्रिस्तरीय व्यवस्था, त्रिस्तरीय व्यवस्था में क्या है, इसमें देश में पंचायतों की एक रूप त्रिस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। इसे यहां पे स्पष्ट किया गया था, सम्मिलित किया गया था इस अधिनियम में कि गांव, माध्यमिक और जिला स्तर पर क्या होना चाहिए, व्यवस्था होना चाहिए। किसी भी विकास का जो इंप्लीमेंट है वो गांव स्तर पे होना चाहिए, ब्लॉक स्तर पे होना चाहिए और जिला स्तर पे होना चाहिए। अगर किसी जिला में विकास के कार्य या योजना को चलाना है तो जिला स्तर एक हो गया, ब्लॉक स्तर हो गया, जो हम कह सकते हैं प्रखंड स्तर, और एक पंचायत लेवल, तीन लेवल पे हम उसको बांट सकते हैं, जिसको हम त्रिस्तरीय व्यवस्था कहते हैं। सीटों का आरक्षण, अनुसूचित जातियों और जनजाति के लिए प्रत्येक पंचायत में उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों के आरक्षण का प्रावधान इस अधिनियम में किया गया था। पंचायत की बनावट को भी ध्यान में रखा गया था। इस संशोधन की एक उल्लेखनीय विशेषता पंचायत के प्रत्येक चुनाव करना था कि नहीं, अब क्या है, हर एक 5 साल में चुनाव किया जाएगा और चुनाव के उपरांत जो व्यक्ति को बहुमत मिलेगा वो क्या होगा, जो निर्वाचित होंगे, चुनाव निर्वाचित सदस्य होंगे, वो बहुमत पाकर क्या कर सकते हैं, पंचायत चुनाव को जीत सकते हैं और वो अपना शासन व्यवस्था वहां पे विकास के कार्य कर सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। पंचायतों की एक अवधि रखी गई, सामान्यतः प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल क्या होता है, लगभग 5 वर्ष का होता है, लेकिन यदि किसी कारण से इस अवधि के पूरा होने से पहले ही पंचायतों की जो क्रियाकलाप है वो भंग हो जाती है तो 6 महीने के अंदर दोबारा चुनाव कराया जा सकता है। पंचायतों के द्वारा पंचायत चुनाव के उपरांत अगर कोई प्रतिनिधि चुने जाते हैं लेकिन किसी कारणवश या चुनाव जो है वो भंग हो जाता है, ये त्रिस्तरीय व्यवस्था जो है वो भंग हो जाता है, तो फिर से चुनाव करने का प्रावधान है। चुनावों का संचालन जो होता है, पंचायतों के सभी चुनावों की मतदाता सूची की तैयारी के प्रबंध, निर्देशन और नियंत्रण तथा उनके संचालन की जिम्मेदारी राज्य के चुनाव आयोग की होती है। अगर वित्त आयोग की बात करें तो पंचायतों को विकास संबंधी विभिन्न गतिविधियों के लिए पर्याप्त धन
उपलब्ध हो इसके लिए संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक वित्त आयोग गठित हो। विकास संबंधी गतिविधियां, इस अधिनियम में पंचायतों को आर्थिक विकास के कार्यक्रमों की योजना बनाने और चलाने की शक्तियां और जिम्मेदारियां दी गई है, जो कि विकास संबंधी गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाती है। आर्थिक विकास, इसमें 11 मद है जो कि आर्थिक विकास के विषय में आगे की कार्य को संचालित करता है, और इसमें गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को जोड़ा गया है। गरीबी को कैसे कम किया जाए, उस सभी कार्यक्रमों को इसमें जोड़ा जाता है, ताकि उसके आर्थिक विकास में क्या हो, सहयोग हो। उन्हें बहुत सारे योजनाओं से जोड़ा जाते हैं, वहां के क्षेत्र के लोगों को, जैसे भूमि सुधार, लघु सिंचाई, पशुपालन, मछली पालन, सामाजिक वानिकी, कृषि, लघु वन उत्पाद, लघु और कुटीर उद्योग, ईंधन तथा चारा जैसे उद्योगों से जोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आजीविका में वृद्धि की जाती है, आर्थिक विकास में वृद्धि की जाती है। उसे शिक्षा से जोड़ा जाता है, शिक्षा की अगर पॉइंट करें, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय, अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय, तकनीकी प्रशिक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियां में उन्हें सम्मिलित कर उसकी शिक्षा में बढ़ोतरी की जाती है। स्वास्थ्य, महिला कल्याण तथा बाल विकास के अंतर्गत अगर देखें तो इसमें समाज कल्याण, कमजोर वर्गों को एवं महिलाओं को, महिलाओं के विकास के लिए उसे कल्याण महिला तथा बाल विकास योजनाओं से जोड़ा जाता है। ढांचागत विकास, इस श्रेणी के अंतर्गत बहुत सारे योजनाओं को सम्मिलित किया गया ताकि लोगों को उसका लाभ मिल सके। इसमें मुख्यतः है सड़कें, आवास, पेयजल, बाजार, विद्युतीकरण, सामुदायिक परिसंपत्ति के रखरखाव आदि सभी कार्यक्रम जो कि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों से संबंध होते हैं उसे इंप्लीमेंट किया गया, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले कमजोर वर्गों को उस योजना का लाभ मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गरीबी उन्मूलन के दृष्टिकोण और उसके प्रभाव की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए, अथवा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के प्रभाव पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, अथवा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनाए जाने वाले प्रभावों की चर्चा की। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे क्या होगा, प्रभाव, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनाए जाने वाले प्रभावों की चर्चा की, अथवा भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अपनाए गए गरीबी उन्मूलन के प्रमुख दृष्टिकोणों का वर्णन कीजिए, अथवा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की आवश्यकता क्यों है, गरीबों और ग्रामीण क्षेत्रों में इसके प्रभाव का आकलन कीजिए। इसे हम निम्न बिंदु द्वारा जानेंगे। पहला जानेंगे कि भारत में गरीबी उन्मूलन क्या है, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम क्या है, किसान विकास एजेंसी जिसे हम SFDA के नाम से जानते हैं वो क्या है, स्वरोजगार के लिए ग्रामीण की स्थिति क्या है, युवाओं का प्रशिक्षण, ग्रामीण मजदूर रोजगार गारंटी योजना, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के प्रभाव, सभी को हम एक एक करके जानते हैं। तो भारत अपनी आजादी के समय से ही एक क्या है, कल्याणकारी देश रहा है, और वो अपने देश में रह रहे लोगों के हित के बारे में नई नई योजनाओं को संचालित किया है। सभी सरकारी प्रयासों का बुनियादी उद्देश्य जो रहता है वो भारत के लोगों का हित कल्याण करना है और उसे हित कल्याण योजनाओं से जोड़ना है। गरीबी, अज्ञानता, रोगों तथा अवसरों की असमानता को दूर करना और देशवासियों को बेहतर तथा उच्च जीवन स्तर प्रदान करना ही क्या है, एक बुनियादी कार्यनीति है जो कि सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत लोगों तक पहुंचाया जाता है। रोजगार के अवसर पैदा करना और गरीबी हटाना दोनों क्या है, एक दूसरे के पूरक है, क्योंकि रोजगार में वृद्धि गरीबी में कमी लाने का निर्धारक होती है। अगर हम रोजगार देंगे किसी क्षेत्र विशेष में तो वहां पर ऑटोमेटिक गरीबी कम होगी। ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। आप रोजगार दीजिए, गरीबी कम होगा। वहां पर रोजगार नहीं है, बेरोजगार है, वहां पे कोई काम काज नहीं है किसी जगह विशेष पे, तो वहां के लोग क्या है, गरीब ज्यादा है, क्योंकि रोजगार नहीं, पैसा इनकम नहीं होता है। रोजगार का अर्थ केवल कार्य में लगना ही नहीं, बल्कि इसका अर्थ कार्य से, काम से लाभ कमाकर आय अर्जित करना है, अपने बचत को बचाना है, जो लोगों को न्यूनतम स्तर के जीवन को जीने के लिए बुनियादी आवश्यकताएं मुहैया कराता है।
गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की अगर बात करें तो इसमें किसान विकास एजेंसी, इसके बाद गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, इसमें क्या होता है, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में ग्रामीण निर्धनों को लगभग 3 श्रेणियों में बांटा गया। पहला है भूधारक, दूसरा है दक्ष या कुशल, और तीसरा है भूमिहीन। भूधारक वो होते हैं जिसके पास भूमि होती है पहले से, मतलब वो खेती बाड़ी करके अपनी आजीविका को चला लेता है। दक्ष या कुशल कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसके पास क्या है, जमीन तो नहीं है लेकिन उसको इसके पास स्किल है, उसमें दक्षता है, कोई कार्य कर सकता है, वो गैरेज में कार्य कर सकता, काम कर सकता है, वो कंप्यूटर जानता है तो उससे पैसा इनकम कर रहा है, वो ऑनलाइन जान रहा है तो उससे इनकम कर रहा है, तो दक्ष या कुशल व्यक्ति होते हैं। या तीसरा होता है भूमिहीन और अकुशल। एक ऐसा भी व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में होता है जो कि भूमिहीन है, उसके पास जमीन भी नहीं और उसमें कोई दक्षता भी नहीं है, स्किल भी नहीं है, वो कोई कार्य भी नहीं कर सकता। तीन सभी लोगों को लगभग 3 श्रेणियों में बांटा गया। पहला है भूधारक, दूसरा है दक्ष या कुशल, और तीसरा है भूमिहीन और अकुशल। और इन सभी लोगों को कैटेगरी वाइज बांटकर बहुत सारे विभिन्न योजनाओं से जोड़ा गया और उसे जो बुनियादी सुविधाएं हैं, बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराकर उसके विकास के कार्य को किया गया है। ग्रामीण कारीगरों की कुशलता को बढ़ाने और अकुशल लोगों में दक्षता का विकास करने के लिए बहुत सारी योजनाओं को लाया गया। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले किसानों के लिए किसान विकास एजेंसी के द्वारा समय समय पर उसे कृषि संबंधित जानकारी दी जाती है, कृषि संबंधित उपचार बताए जाते हैं, कृषि तकनीकी के उपयोग हेतु बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिसमें उसके किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वो अपने कृषि में टेक्नोलॉजी का यूज कर सके और अपने उपज की उत्पादकता को बढ़ा सके। रोजगार के लिए ग्रामीण, बहुत सारे ग्रामीण को रोजगार चाहिए होता है जिसके लिए सरकार के द्वारा बहुत सारे योजनाओं को चलाया जाता है ताकि उसे उस ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रोजगार मिल सके। युवाओं का प्रशिक्षण जो कि ट्राइसेम के द्वारा होता है, तो ग्रामीण कारीगरों की कुशलता को बढ़ाने और अकुशल लोगों में दक्षता का विकास करने के लिए स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण जिसको हम ट्राइसेम के नाम से जानते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है ट्रेनिंग ऑफ द रूरल यूथ इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ट्राइसेम। ट्राइसेम में क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले पढ़े लिखे युवाओं को, अनपढ़ युवाओं को, दक्ष युवाओं को, अकुशल युवाओं को रोजगार प्रदान कराया जाता है, उन सभी युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है और प्रशिक्षण के उपरांत उसे रोजगार हेतु सृजित किया जाता है। भारत सरकार द्वारा उन सभी युवाओं को ऋण की सुविधा भी प्रदान की जाती है ताकि वे छोटे मोटे उद्योग को आसानी से कर सके। ग्रामीण मजदूर राज्य रोजगार गारंटी योजना, इसके अंतर्गत सरकार के द्वारा गरीबों को काम देने की योजना तैयार की गई है, गरीबों को काम देने का प्रावधान किया गया है जिसको हम ग्रामीण मजदूर रोजगार गारंटी योजना कहते हैं। ये हम लोग इजुअली देख सकते हैं, जो मनरेगा में 100 दिन की गारंटी मिलती है किसानों को, जो लेबर कार्य करेगा अगर नहीं भी काम मिलता है तो उसे 100 दिन का जो दैनिक भत्ता है उसे उपलब्ध कराया जाएगा, जिसे हम क्या ग्रामीण मजदूर रोजगार गारंटी योजना के तहत उसे जानते हैं। मजदूरी रोजगार के मामले में मजदूरों को न्यूनतम गारंटी रोजगार योजना के तहत उसे रोजगार दिया जाता है, उसे काम दिया जाता है ताकि उसका भरण पोषण हो सके और आर्थिक विकास में उसका क्या हो, सहायता प्राप्त हो सके, उसे सहायता मिल सके। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के प्रभाव से गरीबी को उपलब्ध कराई गई ज्यादातर जन जो आय रहित जनता है उसमें क्या है, विकास हुआ है। मतलब अगर शॉर्टकट में समझे, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का प्रभाव मुख्यतः होता है गरीबी को कम करना। हम गरीबी को क्या कर सकते हैं, हटा तो नहीं सकते लेकिन कम कर सकते हैं, क्योंकि गरीबी तो बढ़ती जाएगी ग्रामीण क्षेत्रों में, तो उसे कम किया जा सकता है। बहुत सारे योजनाओं को, बहुत सारे कार्यक्रमों को इंप्लीमेंट कर ग्रामीण क्षेत्रों में उसे जागरूक कर रोजगार के प्रति उसे उसकी मानसिकता में परिवर्तन लाकर गरीबी का उन्मूलन किया जा सकता है। उसे बहुत सारे योजनाओं से जोड़ा जा सकता है, उसे ट्रेनिंग दिया जा सकता है, उसे प्रशिक्षित किया जा सकता है, उसे योजनाओं का लाभ बताकर उसे बहुत सारे प्रशिक्षण में शामिल कर
उसे आय सृजन हेतु सुदृढ़ बनाया जाता है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अपनी आजीविका के लिए खुद इनकम कर सके और वह अपने आर्थिक विकास में परिवर्तन ला सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान समस्या की पहचान और निर्माण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह क्वेश्चन जून 2012 में पूछा गया, अथवा ग्राम विकास के संदर्भ में अनुसंधान समस्या की संक्षिप्त में चर्चा कीजिए। यह भी क्वेश्चन जून 2014 में पूछा गया। पहला बिंदु हम जानेंगे कि अनुसंधान समस्या क्या है, अनुसंधान समस्या की पहचान क्या है और अनुसंधान निर्माण होता कैसे है। तो चलिए निम्न बिंदुओं को एक एक करके सभी बिंदु को जानते हैं और इस क्वेश्चन को डील करते हैं। अनुसंधान समस्या का जो संबंध है किसी भी शोध में उत्पन्न होने वाली समस्या से होता है। मतलब अनुसंधान समस्या का निरूपण अनुसंधान प्रक्रिया का पहला चरण होता है। अगर किसी अनुसंधान की शुरुआत करते हैं, अगर किसी हम सर्वे की शुरुआत करते हैं, अगर किसी हम सुपरविजन का शुरुआत करते हैं और उसमें जो समस्या उत्पन्न होती है वह अनुसंधान समस्या का पहला चरण होता है। अनिवार्य रूप से अनुसंधान समस्या के दो मुद्दे हो सकते हैं। एक ये हो सकता है कि एक समस्या को अच्छी तरह से समझाना और दूसरा उसे विश्लेषित करना। अगर कोई भी समस्या आता है तो उसका समाधान भी होता है। किसी भी कार्य को हम अगर शुरुआत करते हैं, किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो वहां समस्या उत्पन्न होती है और समस्या का उत्पन्न होना उस कार्य का समाधान होता है। अगर उस समस्या को हम निराकरण कर देते हैं, उसका सोल्यूशन कर देते हैं, तो वो क्या हो सकता है, उस जगह के लिए, उस योजना के लिए वो सुदृढ़ होता है, वो रीढ़ की हड्डी बन जाती है, वो उसको स्ट्रेंथ प्रदान करता है, उस योजना के लिए क्या है, वो पोटेंशियल का काम करता है। इसके अंतर्गत अनुसंधान समस्या की पहचान के लिए बहुत सारे बिंदु होते हैं जिसमें उसे आकलन किया जाता है कि आखिरकार इस अनुसंधान में कौन कौन सी समस्या है, उसको सूचीवार लिस्टिंग किया जाता है, उसके सूची बनाया जाता है। इसके बाद उसके निराकरण हेतु बहुत सारे संसाधन की एकजुटता की जाती है, साथ ही साथ आंकड़ों से संबंधित सभी प्रमाण, प्रमाणिकता और सत्यता की पुष्टि की जाती है कि नहीं, यह अनुसंधान की समस्या इस प्रकार, इस तरह से हल किया जा सकता है। अनुसंधान निर्माण क्या होता है? तो अनुसंधान निर्माण के लिए अनुसंधानकर्ता को यह चयन करना पड़ता है कि आखिरकार उसकी जो अनुसंधान है, जिस क्षेत्र में वो शोध करना चाहते हैं, उस शोध के उपरांत वो किन किन उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं, उसका लाभ क्या होगा, उसका जो प्रभाव है ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के जीवन के लिए क्या हो सकते हैं, कितना हितकर हो सकता है और उसे विकास में किस प्रकार सहायता वो दे सकते हैं अपने शोध से। अनुसंधान समस्या को परिभाषित करने का यह बहुत सारा सुलभ तरीका है कि सबसे पहले किसी भी अनुसंधान को करने के लिए वहां के लोगों से, किसी विशेष क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए उस क्षेत्र से हमें परिचित होना होगा, वहां के लोगों से परिचित होना होगा, वहां के संसाधन से परिचित होना होगा और वहां क्या क्या समस्या, उसे क्या पहले क्या करना होगा, उसका अनुकरण करना पड़ेगा, बिफोर में क्या समस्या थी और इस समस्या का समाधान क्या है और इसका क्या परिणाम हो सकता है। इन सभी बिंदुओं को आकलन कर, इन सभी बिंदुओं को जानकर हम अनुसंधान का निर्माण सुसंगठित रूप से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिकल्पना जिसे हम हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं, आप क्या समझते हैं, परिकल्पना के विभिन्न प्रकारों को बताइए, अथवा शून्य परिकल्पना पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। यह क्वेश्चन जून 2012 में पूछा गया, अथवा परिकल्पना का महत्व क्या है, यह भी जून 2012 में पूछा गया, अथवा एक अच्छी परिकल्पना की क्या विशेषताएं होती है, अथवा अनुसंधान में परिकल्पना की उपयोगिता से आप क्या समझते हैं, यह भी क्वेश्चन जून 2014 में पूछा गया। तो इन सभी क्वेश्चन को हम निम्न बिंदु द्वारा डील करेंगे। पहला जानेंगे कि परिकल्पना है क्या, जिसे हम हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं। पहला बिंदु है परिकल्पना, दूसरा है परिकल्पना की विशेषताएं, तीसरा परिकल्पना के प्रकार, जिसे हम निम्न बिंदु द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं, व्याख्यात्मक परिकल्पना, विवरणात्मक परिकल्पना, सादृश्य परिकल्पना और परिकल्पना का महत्व। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं परिकल्पना है क्या। परिकल्पना जिसकी इंग्लिश वर्ड है हाइपोथेसिस, इसे जानते हैं पहले हाइपोथेसिस को। तो हाइपोथेसिस शब्द जो है, इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों हाइपो और थेसिस से मिलकर बनी है। हाइपो का अर्थ होता है अंडर, मतलब जिसको हम प्लेस बोल सकते हैं, प्लेस मतलब स्थान, दोनों को मिलाकर बना है, टू प्लेस अंडर से हुई है।
और यह दूसरी ओर अंग्रेजी शब्द की हाइपोप्लास्थिटिस जो कि जिसका आशय होता है कि समस्या के समाधान का कथन, मतलब हाइपोथेसिस का शाब्दिक अर्थ होता है समस्या के समाधान का कथन। किसी भी समस्या का समाधान करना क्या होता है, हाइपोथेसिस का एक भाग है, मतलब परिकल्पना करना जरूरी होता है। अगर आप किसी समस्या को समाधान करना चाहते हैं, किसी समस्या का सोल्यूशन चाहते हैं, तो उसके लिए चिंतन की आवश्यकता होती है, उसके लिए हाइपोथेसिस की आवश्यकता होती है। अगर आप उस विषय वस्तु पर चिंता नहीं करेंगे, आप उस विषय वस्तु पर विचार नहीं करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे नहीं, तो उसका निराकरण नहीं हो सकता। किसी भी समस्या के लिए क्या है, सोचना बहुत जरूरी है, उस पर विचार करना जरूरी है, जिसे हम परिकल्पना के नाम से जानते हैं। परिकल्पना क्या, परिकल्पना एक सोच है, एक विचार है, एक समझ है, जिसकी सहायता से हम किसी भी समस्या का निदान कर सकते हैं। परिकल्पना को विभिन्न भागों में बांटा गया। परिकल्पना की विशेषता को अगर हम जाने तो इसके माध्यम से हम बहुत सारे योजनाओं को सुसंगठित रूप से चला सकते हैं। परिकल्पना के प्रकार में व्याख्यात्मक परिकल्पना है। इस परिकल्पना का उद्देश्य निश्चित तथ्य को स्पष्ट करना था। सभी प्रकार की परिकल्पनाएं व्याख्यात्मक होती है। विवरणात्मक परिकल्पना में क्या है कि कभी कभी अनुसंधानकर्ता एक जटिल तत्व पर आता है और वह अवलोकित तत्वों के माध्यम या मध्य संबंधों को नहीं समझता है, जिसको हम विवरणात्मक उत्तर के माध्यम से उसे उस समस्या के बारे में समझाते हैं। सादृश्य परिकल्पना, जब हम समानता के आधार पर परिकल्पना का निर्माण करते हैं तो उसे सादृश्य परिकल्पना करते हैं। उदाहरण, अधिक आय अर्जन परिवार अपने अधिशेष का दीर्घकालीन क्या करता है, नियोग करता है, वो उसका यूज करता है। परिकल्पना का महत्व के बारे में अगर हम बोले उसका क्या क्या महत्व हो सकता है, तो अनुसंधान समस्या के चयन एवं प्रतिपादन के बाद परिकल्पना की रचना करना अनुसंधान प्रक्रिया का अगला महत्वपूर्ण कदम होता है, जो कि परिकल्पना को किसी समस्या के प्रस्तावित समाधान के रूप में अस्थायी प्रस्ताव या किसी घटना के सोल्यूशन को बतलाता है। अनुसंधान अध्ययन से क्या होता है, किसी भी समस्या या फिर किसी भी समस्या में जो निहित बिंदु होते हैं उसे समझा जा सकता है। अनुसंधान द्वारा उत्तर प्राप्त करने के लिए बनाए गए प्रश्न प्रायः साक्ष्यों के आधार पर जांच किए जाते हैं कि हां इसका क्या तथ्य है, यह फैक्ट है या नहीं, उसके लिए एक साक्ष्य चाहिए होता है। किए जाने के लिए परिकल्पना के रूप में बनाए जाते हैं, एक परिकल्पना बनाया जाता है। अगर किसी समस्या है उसका एक विचार किया जाता है, एक परिकल्पना तैयार किया जाता है, और उस परिकल्पना को एक ऑथेंटिक फैक्ट की जरूरत होती है। हम अगर बोल दिए कि यह गलत है तो उस गलत को साबित करने के लिए क्या होना चाहिए, मेरे पास आर्गुमेंट होना चाहिए, एक फैक्ट होना चाहिए, ऑथेंटिक बात होना चाहिए कि नहीं इसका प्रूफ ये है इसलिए यह गलत है, उसका एक एविडेंस होना चाहिए। परिकल्पना का महत्व में अगर देखा जाए तो परिकल्पना सभी अनुसंधान विशेषता किसी समस्या की आरंभिक अवस्था को पता लगाने के लिए अनिवार्य होती है। मतलब किसी भी हम अनुसंधान को कर रहे हैं उसमें जो समस्या आ रही है तो उसके लिए हम पहले परिकल्पना कर सकते हैं कि यह समस्या आ सकती है तो इसका क्या निदान है। एक अच्छी परिकल्पना की बहुत सारी विशेषताएं हैं। परिकल्पना का प्रतिपादन में वैधता का परीक्षण भी शामिल किया जाना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, एक शोध प्रक्रिया को जोड़ा जाना चाहिए। परिकल्पना समस्या का आसान उत्तर होना चाहिए। परिकल्पना में क्या होता है, किसी भी समस्या का एक उत्तर होना चाहिए और वह उत्तर क्या होना चाहिए, आसान होना चाहिए, लोगों को समझ में आना चाहिए। इसमें विवेकपूर्ण एक्टिविटी का प्रयोग किया जाता है। एक परिकल्पना में वस्तुनिष्ठता, तर्क संगति और व्यापकता होनी चाहिए। परिकल्पना जो है वह समस्या आधारित होनी चाहिए। परिकल्पना में वैचारिक दृष्टि से अस्पष्ट होनी चाहिए, सुअस्पष्ट होना चाहिए, ताकि किसी व्यक्ति को सरल और अस्पष्ट लगे और वह उस परिकल्पना के माध्यम से किसी समस्या विशेष को अच्छी तरह से समझ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। आपको क्या करना, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह सभी बिंदु को आपको देखना है एक एक करके। तो चलिए एक एक करके जानते हैं। पहला बिंदु जानेंगे, एकीकृत ग्राम विकास क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल विकास क्या है, रोजगार उन्मुख कार्यक्रम, ग्रामीण संरचना विकास निधि, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, स्वर तथा मजदूरी, इंदिरा आवास योजना, 10 लाख कुओं की योजना, एकीकृत जनजाति विकास योजना, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
परीक्षात्मक जिसको हम प्रायोगिक अनुसंधान में परिकल्पना की क्या आवश्यकता है, विवरणात्मक अनुसंधान में परिकल्पना क्या, सभी बिंदु को हम एक एक करके जानेंगे। तो पहला जानेंगे कि एकीकृत ग्राम विकास क्या है। पहला बिंदु है एकीकृत ग्राम विकास। तो एकीकृत ग्राम विकास है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में उनके आवश्यकता की पूर्ति करना। मतलब अगर समाजशास्त्रियों के अनुसार अगर जाने तो भारतीय गांव एक एकीकृत पूर्ण इकाई है। किसी भी गांव को अगर आकलन करें तो वो एक पूर्ण इकाई है और प्रत्येक गांव का लोगों का क्या एक समूह है, प्रत्येक गांव में लोगों का समूह है। मतलब लोगों के समूह से ही एक गांव का निर्माण हुआ है जो एक निश्चित भू क्षेत्र में बसा होता है और कुछ दूरी तक बसे ऐसे ही समूह को हम क्या कर सकते हैं, गांव के रूप से जानते हैं। एकीकृत ग्राम विकास का मुख्य उद्देश्य जो होता है उन सभी ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के स्तर को ऊंचा करना, उसका मुख्य उद्देश्य है वहां पे विकास को इंप्लीमेंट करना और वहां के लोगों को विकास के मुख्य धारा से जोड़ना होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल विकास, तो महिलाओं को और बाल विकास लाभ को सुसंगठित बनाने के लिए, मतलब महिलाओं को बहुत सारे योजनाओं से जोड़ने के लिए, छोटे बच्चों को उसकी देखभाल के लिए बहुत सारी योजनाओं को चलाया गया। जैसे महिला एवं बाल विकास में अगर देखा जाए तो आंगनवाड़ी की मुख्य भूमिका होती है। इसमें धात्री महिलाओं को, जो गर्भवती महिला है, उसको आंगनवाड़ी के माध्यम से बहुत से पोषक तत्वों की उपलब्धता कराई जाती है। साथ ही साथ छोटे बच्चों को टीकाकरण जैसे विभिन्न पहलुओं से जोड़ा जाता है और इसका मुख्य केंद्र जो होता है वो आंगनवाड़ी होता है। आंगनवाड़ी के माध्यम से महिलाओं को तो लाभ दिया ही जाता है, साथ ही साथ छोटे बच्चों को भी लाभ दिया जाता है। महिलाओं को पोषक तत्व की उपलब्धता कराई जाती है, गर्भवती महिलाओं के लिए अलग अलग स्कीम चलाए जाते हैं, धात्री महिलाओं के लिए अलग स्कीम चलाए जाते हैं और जो कुपोषित बच्चे हैं उसके लिए टीकाकरण की सुविधा आंगनवाड़ी के माध्यम से दी जाती है। नेक्स्ट है रोजगार उन्मुख कार्यक्रम। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात के समय में ही रोजगार, ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को संचालित किया गया ताकि उस रोजगार कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को जोड़ा जाए, वहां के जो शिक्षित बेरोजगार युवा है उसको जोड़ा जाए, वहां के किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाए और उसकी आमदनी में परिवर्तन लाया जाए। ग्रामीण संरचना विकास निधि, ग्रामीण संरचना विकास निधि के अंतर्गत सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बहुत सारे योजनाओं से जोड़ा जाता है, बहुत सारे कुटीर उद्योगों से जोड़ा जाता है, साथ ही वहां के ग्रामीण संरचना विकास में लाभ पहुंचाने के लिए वहां पे फंडिंग की जाती है, वहां पे वित्त सुविधा दी जाती है। जैसे ग्रामीण संरचना को, ग्रामीण संरचना का मुख्य उद्देश्य जो है उसका जो तात्पर्य है, उसका जो संबंध है, वहां के सिंचाई से है, सड़कों से है, पुलों से है। मतलब ग्रामीण क्षेत्र के संरचना को सुधारने के लिए वहां की सिंचाई व्यवस्था को सुधारना पड़ेगा, वहां के सड़कों को सुधारना पड़ेगा, वहां के पुलों को सुधारना पड़ेगा। इन सभी क्षेत्रों में कार्य करके हम ग्रामीण संरचना के विकास में भूमिका निभा सकते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसको हम पीडीएस के नाम से जानते हैं, पीडीएस जहां से हम लोगों को राशन मिलता है सरकारी रेट से, चावल गेहूं आदि दिए जाते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस को हम किसके नाम से जानते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसको हम पीडीएस के नाम से जानते हैं, जो कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं जहां पे ग्रामीण निर्धन, जो गरीबी रेखा से नीचे लोगों को क्या दिया जाता है, सरकारी रेट में 10 रुपया प्रति किलो चावल दिया जाता है, इस तरह कुछ है। सरकारी रेट में चावल की उपलब्धता कराई जाती है, गेहूं की उपलब्धता कराई जाती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एक मुख्य उद्देश्य है खाद्य सुरक्षा भी है और इसी वजह से 1987-88 में क्या है, भारत सरकार के द्वारा जो गरीब वर्गों के लोग हैं उन्हें खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए पीडीएस की स्थापना की गई, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की स्थापना की गई ताकि लोगों को 10 रुपया प्रति किलोग्राम चावल और गेहूं अथवा दोनों निशुल्क खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराया जा सके ताकि निर्धन गरीब अपनी आजीविका का संचालन सही तरीके से कर सके। श्रम तथा मजदूरी, यहां पे जो है स्वर्ण नहीं होगा, ठीक है, यहां पे स्वर्ण लिखा गया, यहां पे श्रम होगा, ठीक है। तो श्रम तथा मजदूरी, यहां पे क्या पॉइंट है, श्रम तथा मजदूरी। तो श्रम तथा मजदूरी की अगर बात करें तो कृषि के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में श्रम की खपत लगातार कम हो रही है, क्योंकि पहले लोग जो है कृषि पर आधारित थे, अब लोगों को काम भी नहीं मिल रहा है, इसके लिए सरकार के द्वारा बहुत सारी योजना चलाए जा रहे हैं। इसमें एक योजना है कि उसे रोजगार प्रदान करना है, जिसमें मनरेगा के अंतर्गत उसे 100 दिन की काम की गारंटी दी जाती है,
कि अगर आपको काम मिले या ना मिले, लेकिन मनरेगा के अंतर्गत क्या है, आपको 100 दिन की काम दी जाती है, अगर काम ना मिले तो आपको बेकारी भत्ता दिया जाएगा। इंदिरा आवास योजना, इस कार्यक्रम को वर्ष 1984-85 में शुरू किया गया था। इसकी शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 1984-85 में हुई थी। ज्वार रोजगार योजना में इसके विलय के बाद इसका एक घटक बन गया था, मतलब पहले ज्वार रोजगार योजना था यार, इसका विलय हो चुका था, इसके बाद इंदिरा आवास योजना की क्या शुरुआत की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य था, इंदिरा आवास योजना की जो शुरुआत है वो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में से सर्वाधिक निर्धन लोगों को घर उपलब्ध कराने के लिए ये योजना शुरू की गई थी। इंदिरा आवास का जो मुख्य उद्देश्य है वो निर्धन गरीब लोगों को क्या करना है, आवास उपलब्ध कराना है, घर उपलब्ध कराना है, ताकि उसकी जो गरीबी श्रेणी है, गरीबी श्रेणी को कम किया जा सके और उसे और उस योजना के तहत उसे आवास की उपलब्धता हो सके, वो एक अच्छे आवास में रह सके। 10 लाख कुओं की योजना, ये क्या 10 लाख कुओं की योजना? पहले आप देखे होंगे कि आपके ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार के द्वारा कुओं का निर्माण कराया जाता था, बड़े कुओं का निर्माण कराया जाता था, छोटा कुआं तो घर में होता है, लेकिन सरकारी जो कुआं बनता था वो बड़ा कुआं बनता था। तो ये योजना, ये कुआं जो बनता था वो 10 लाख कुओं की योजना के अंतर्गत ही बनता था। इस कुओं को बनाने का जो मुख्य उद्देश्य था वो सिंचाई सुविधा को सुदृढ़ करना था, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को पीने का पानी मिल सके, सिंचाई का पानी मिल सके, कृषि अंतर्गत कार्य को अच्छी तरह से कर सके, इसलिए 10 लाख कुओं की योजना की शुरुआत की गई थी। इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को निःशुल्क सिंचाई के लिए खुले हुए कुएं उपलब्ध कराए जाते थे, ताकि वो सिंचाई जैसे कार्य को अच्छी तरह कर सके और अपने कृषि संबंधित कार्य में सुलभता पा सके, साथ ही उसके उपज में बढ़ोतरी हो सके। एकीकृत जनजाति विकास एजेंसी क्या है? तो इसके अंतर्गत वैसे जनजाति को सम्मिलित किया गया जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, जो कि रिमोट एरिया में रहते हैं, जहां पे सुविधा जो है सरकारी सुविधा बहुत कम पहुंचती है, उसके उत्थान के लिए एकीकृत जनजाति विकास एजेंसी के माध्यम से बहुत सारी योजनाओं को वहां तक पहुंचाया गया, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले या फिर पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों को उसका अधिकार मिल सके। उसके अंतर्गत वहां के रहने वाले लोगों का वन संरक्षण समितियों का भी विकास किया गया, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में तो रहते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, वनों में रहते हैं, जंगलों के बीच में रहते हैं, जो कि बहुत सारे आदिवासी होते हैं जो पहाड़ों में रहते हैं और वो जंगलों के बीच में रहते हैं, उन सभी लोगों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए एकीकृत जनजाति विकास एजेंसी को सम्मिलित किया गया और बहुत सारी योजनाओं से उसको जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के प्रबंधन और कार्य करने वाले व्यक्तियों के एक दूसरे पर क्या होता है, एक विशेष संबंध होता है, क्योंकि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण जो DRDA के नाम से हम जानते हैं, हर एक जिला में होता है, आप सुनते होंगे DRDA, तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि एक जिला के अंतर्गत ग्रामीण विकास को कैसे सुदृढ़ किया जाए, उन्नत किया जाए, ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाली समस्याओं का कैसे निवारण किया जाए और उसे बहुत सारी योजनाओं से कैसे जोड़ा जाए। सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण, इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का समय समय पर क्या करता है, जिला प्रशासन के द्वारा क्या होता है, सर्वे होता है, सर्वेक्षण किया जाता है कि किस ग्रामीण क्षेत्र में या किस ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के पास क्या क्या चीज है। जो लोग निर्धन है, जो कि गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, जिसका क्या है, जो कि कमजोर वर्ग से आते हैं, उनका सर्वेक्षण किया जाता है और लिस्टिंग किया जाता है कि इसे किस समस्या से जूझना पड़ रहा है और इसकी क्या उपलब्धता होनी चाहिए, इसको क्या सुविधा मिलना चाहिए। अगर किसी के पास घर नहीं है तो उसके घर दिया जाना चाहिए, अगर किसी के पास रोजगार नहीं है तो रोजगार से संबंधी योजनाओं से जोड़ा जाना चाहिए, जो कि डिस्ट्रिक्ट कुटीर उद्योग है, बहुत सारे कुटीर उद्योगों से जोड़ा जा सकता है। तो इसका एक सर्वेक्षण किया जाता है, एक रिपोर्ट तैयार किया जाता है और उसे जिला प्रशासन के पास भेजा जाता है, डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाता है। ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इसके अंतर्गत वैसे मजदूरों को रोजगार की गारंटी दी जाती है जिसको काम करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। जो लोग पलायन करते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं रोजगार के लिए, पैसा कमाने के लिए, वो क्या कर सकते हैं, भारत सरकार के स्कीमों द्वारा जुड़ सकते हैं। मनरेगा के तहत ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का प्रावधान है, जिसमें 100 दिन की
रोजगार की गारंटी योजना को शामिल किया गया है। अगर आपको कोई काम नहीं मिलता तो आपको 100 दिन सरकार आपको काम देगी, इसकी गारंटी योजना को लाया गया है। अगर आपको वो काम नहीं मिलता तो आपको बेकार भत्ता दिया जाएगा। तो ये एक अच्छा स्कीम है ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लेबरों के लिए, मजदूरों के लिए, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। परीक्षात्मक या प्रायोगिक अनुसंधान में परिकल्पना क्या होता है? तो परीक्षात्मक या अनुसंधान में परिकल्पना यह बताती है कि पूर्व स्थिति अथवा परिघटना का कारण क्या है और इसके प्रभाव क्या है। प्रायोगिक जो अनुसंधान से यह पता चलता है कि इसकी पहले की दशा क्या थी और इसकी बाद की दशा क्या हो सकती है और इसका प्रतिफल क्या हो सकता है, इसका परिणाम क्या हो सकता है, इन सभी आकलन को यह दर्शाता है। साथ ही साथ अनुसंधानकर्ता के लिए परीक्षात्मक जो अनुसंधान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इससे उन्हें बहुत सारे समस्या और परिणाम की बिंदुओं का आकलन हो जाता है ताकि वो किसी भी अनुसंधान में, किसी भी क्षेत्र में अनुसंधान आसानी से कर सके। विवरणात्मक अनुसंधान क्या है? विवरणात्मक अनुसंधान में विभिन्न प्रकार की परिकल्पनाएं का उपयोग किया जाता है। विवरणात्मक अनुसंधान में अगर कोई भी अनुसंधान को करते हैं तो पहले क्या करना पड़ता है? माइंड मेकअप करना पड़ता है, पहले से सोचना पड़ता है, दिमाग को स्थिर करना पड़ता है, विचार करना पड़ता है, एक इमेजिनेशन करना पड़ता है, जिसको हम परिकल्पना के नाम से जानते हैं। तो विवरणात्मक अनुसंधान में परिकल्पना की बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता है। अगर हम उदाहरण के लिए देखें तो स्वयं सहायता समूह की प्रभाविता, अगर स्वयं सहायता समूह जो है ये एक परिकल्पना है, पहले क्या सोचा गया कि गरीब जो महिला है उसका उत्थान कैसे किया जाए, तो उसके लिए एक परिकल्पना तैयार किया गया और ग्रामीण क्षेत्रों के जो गरीब महिला है उसको एक ग्रुप से जोड़ा गया, जिसको हम एसएचजी के नाम से जानते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से जानते हैं। तो ये कैसे जोड़ा गया? एक परिकल्पना के माध्यम से जोड़ा गया। पहले तो नहीं था, महिलाओं का तो ग्रुप नहीं था, स्वयं सहायता समूह तो नहीं था, तो एक परिकल्पना किया गया और उसको विवरणात्मक तरीके से उसे यूटिलाइज किया गया। पहले चला के देखा गया एक दो जगह में, देखा कि नहीं इससे लाभ पहुंच रहा, वहां की महिला क्या हो रही है, जागरूक हो रही है। इसके बाद उसको विवरणात्मक अनुसंधान में शामिल करने के बाद उसे अन्य राज्यों तक पहुंचाया गया और उसे इस स्कीम को सरकार के माध्यम से बढ़ाने के लिए, जैसे इसके अंतर्गत बहुत सारे योजना है, जैसे NRLM काम करती है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन काम करती है, बहुत सारे राज्य सरकार काम करती है, बहुत सारे NGO काम करती है। तो विवरणात्मक अनुसंधान का जो उद्देश्य तभी पूरा हो सकता है जब उसमें परिकल्पना को शामिल किया जाए, जब उसे प्लानिंग को जोड़ा जाए, जब उसमें नियंत्रण को जोड़ा जाए, जब उसमें सोच को जोड़ा जाए, तभी क्या हो सकता है, किसी भी विकास कार्य को सुसंगठित रूप से जमीनी स्तर पर इंप्लीमेंट किया जा सकता है, उसे लागू किया जा सकता है और उस अनुसंधान के उपरांत जो परिणाम होंगे वो क्या होंगे, हमेशा लोगों के हित कर होंगे, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हित कर होंगे, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को क्या हो सकता है, लाभ पहुंच सकता है, वो जागरूक हो सकते हैं, अधिक से अधिक प्रशिक्षित हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल में आपको सभी सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज वीडियो आसानी से मिल जाएंगे, इसलिए आप चैप्टर वाइज वीडियो देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट पर जरूर जाएं। अगर आपको किसी प्रकार का कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। थैंक यू।